Hello students, in this part I will discuss about linkage. During Mendelian inheritance it was observed that the genes present on chromosome separates independently, that is there is no biasness between the genes present on same chromosome. But later it was observed by Bateson, Punnett and Saunders that the genes present on same chromosome shows biasness or shows affinity for each other, due to which parental combinations are repeated in the progenies. यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस इस बात पर फोकस था कि एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स हैं वो जीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के सेपरेट होकर गैमेट्स में जाते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है तो नया पेरेंटल कॉम्बिनेशन नया ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है, नई प्रोजेनी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए देखें, राउंड येलो रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस था तो राउंड के लिए अलग जीन है और रिंकल के लिए राउंड के लिए अलग जीन है, येलो के लिए अलग जीन है. अगर राउंड येलो के साथ कोई एफिनिटी रखता तब तो फिर हमारे पास सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन यही रिपीट होते ऑफ स्प्रिंग में, यानी सारी प्रोजेनी हमें राउंड येलो या रिंकल ग्रीन मिलती. लेकिन ऐसा नहीं था. यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया था तो राउंड येलो रिंकल ग्रीन का जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो कैसे मिला था, तो राउंड येलो भी मिला था, राउंड ग्रीन भी मिला था, रिंकल येलो भी मिला था, रिंकल ग्रीन भी मिला था. यानी सारे जीन्स सेपरेट हो गए थे और फिर वो सेपरेट होकर के इंडिपेंडेंटली हमारे पास गैमेट्स में गए थे. फ्यूजन के बाद हमें नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ था जो इस तरह से चार चार कॉम्बिनेशन मिले. अगर ऐसा नहीं होता, अगर सारे जीन बायसनेस शो करते तब फिर हमारे पास सिर्फ राउंड येलो या रिंकल ग्रीन आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया था. इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते, क्योंकि जहां पर लिंकेज डिस्कवर हो गई तो फिर वो लिंकेज वाला पार्ट क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करता था. इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज यूनिवर्सल, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ. उसका ये एक्सेप्शन है, लिंक्ड जीन्स आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. So what is linkage actually? This process of linkage was first started or discovered by Bateson, Punnett and Saunders. Bateson, Punnett and Saunders. इन्होंने वर्क किया था जिस प्लांट पर, दैट प्लांट वॉज लेथायरस odoratus. The plant was Lethyrus odoratus. Two traits were selected, pollen color and shape of pollen. ये दो trait को लेकर experiment किया था, pollen color और pollen shape. Pollen color था purple, और इसका रिसेसिव था रेड. ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था. और शेप कैसा था, तो शेप था लॉन्ग, डोमिनेंट और रिसेसिव राउंड, रिसेसिव. ठीक है, अब इसको क्रॉस किया तो सपोज पीपीएलएल डोमिनेंट वाज क्रॉस विथ पीपीएलएल in F1, all the progeny was PPLN. So F1 was PPLN, yani long purple long pollen, purple long pollen. Mendel ने क्या किया था, इसको सेल्फ पॉलिनेट किया था और सेल्फ पॉलिनेट करके फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 को ऑब्टेन किया था. लेकिन यही रेशियो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बेटसन और पुनेट और सॉन्डर्स ने ऑब्जर्व किया कि जब इसको सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो इंस्टीड ऑफ 9:3 3:1 द रेशियो विच वॉज ऑब्टेंड, द फिनोटाइपिक रेशियो विच वॉज ऑब्टेंड वॉज 7:1:1:7. जहां पर 7 और 7 क्या थे, तो 7 और 7
ये फीचर्स थे जो पेरेंटल फीचर थे, यानी पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड. पेरेंट क्या था? पर्पल लॉन्ग, रेड राउंड. तो ये फीचर हमारे पास मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस में आए थे और इसलिए कंफ्यूजन हो गई कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी पेरेंटल जीन्स, ये पेरेंटल जीन्स का रिपीटेशन है यहां पर. इसका मतलब ये सेपरेट नहीं होते. अगर सेपरेट होते तो वही एक्सपेक्टेड रेशियो हमारा 9:3:1 आता, यानी हमारे पास पर्पल लॉन्ग और पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड की बजाय हमें ये रेशियो भी मिलते, पर्पल राउंड रेड लॉन्ग. लेकिन ऐसा था नहीं, ज्यादातर कॉम्बिनेशंस में पर्पल लॉन्ग और रेड राउंड मिले थे, यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा थे. बात समझ में आ रही है? तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब इस एलील को इसके साथ और इस एलील को इसके साथ कोई खास एफिनिटी हो. ये अपने कॉम्बिनेशन को अलग ना करना चाहे, अलग सेपरेट ना हो, तभी ऐसा होगा कि मैक्सिमम हमारे पास यही पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रिपीटेशन होगा. तो इस प्रोसेस को बेटसन और पुनेट ने कह दिया कपलिंग एंड रिपल्सन. इन्होंने एक नया टर्म हमें दिया एंड दैट टर्म वाज कपलिंग एंड रिपल्सन. व्हाट इज कपलिंग? तो कपलिंग में कहा कि डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर एंड देयर टेंडेंसी टू अवॉइड ईच अदर. ये दो बातें हो गई, यानी जो एलील्स हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन में है, डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील, दोनों में ये टेंडेंसी है कि दोनों साथ में स्टे करना चाहते हैं और एक दूसरे के कॉम्बिनेशन को अलग नहीं होना चाहते और एक दूसरे को अवॉइड करते हैं. तो एक दूसरे के साथ रहना कपलिंग और एक दूसरे को अवॉइड करना रिपल्सन. सो व्हाट इज कपलिंग? डोमिनेंट एलील्स एंड रिसेसिव एलील्स, रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम हैव टेंडेंसी, हैव टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर. Stay together. This process is called coupling. This process is called coupling. And the tendency of allele to avoid one another and the tendency of alleles to avoid other is called a repulsion. Is called a repulsion. यानी एक ही combination में रहना चाहते हैं, दूसरे को avoid करते हैं. जैसे purple long, तो purple long के साथ रहना चाह रहे हैं, ना कि purple आपका round के साथ आना चाह रहा है, यानी round को वो avoid कर रहे हैं. तो एक दूसरे को साथ रहना कपलिंग है और दूसरे कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना रिपल्सन है. सो दिस प्रोसेस वाज अर्लियर कॉल्ड कपलिंग एंड रिपल्सन. लेटर मॉर्गन एंड केशल वर्क ऑन दिस प्रोसेस इन ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर एंड डिस्कवर्ड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लिंकेज एंड डिस्कवर्ड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लिंकेज. दिस प्रोसेस वॉज लेटर, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड कपलिंग एंड रिपल्सन. लेटर दिस प्रोसेस वॉज एलाबोरेटेड बाय, ज्यादा इस पर काम किया, एलाबोरेटेड बाय मॉर्गन एंड केसल They worked on Drosophila melanogaster
they were down Drosophila melanogaster. As Drosophila melanogaster is commonly known as jackpot, it is commonly known as jackpot of genetics. It is fruit fly. It is fruit fly, also called mango fly, banana fly. As Morgan worked on Drosophila melanogaster, which was a fly, so Morgan is commonly known as flyman of genetics. Flyman of genetics. He is also known as father of. He is also known as father of experimental genetics. He is also known as father of experimental genetics. He selected Drosophila for his experiment. Why they selected Drosophila? Because Drosophila, in Drosophila, the chromosome number is comparatively less than Pisum sativum. Only 8 chromosomes are present in Drosophila melanogaster. It is easily grown in the laboratory. General material is required, fruit, any fruit on which the fly grows easily. And its breeding rate is very high. In one time a female lays approx 1000 eggs. So several progenies are obtained simultaneously. Male and female are easily distinct, as female is larger than male, and female contains a ovipositor in which eggs are deposited. So due to these features and contrasting traits are also present, lots of variations are observed in Drosophila. So these are few features due to which Morgan selected Drosophila melanogaster as his study material or experiment material. क्लियर है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए पाइसम सटाइबम को ना चुन करके इन्होंने ड्रोसोफिला को चुना, क्योंकि पाइसम सटाइबम से इसके पास क्रोमोसोम नंबर कम थे. पाइसम सटाइबम के पास 14 है, इसके पास ओनली 8 क्रोमोसोम थे. इसके पास लॉट्स ऑफ वेरिएशन, क्लियर कट वेरिएशन ऑब्जर्व होते थे. आसानी से कल्चर मीडियम पर ग्रो कर सकते थे, और मेल और फीमेल को आसानी से डिस्टिंक्टली इसमें कैरेक्टर प्रेजेंट है जो आइडेंटिफाई हो सकते थे. मेल छोटे होते हैं और फीमेल बड़े साइज की होती है, उसके पास एक बड़ा सा ओवोपोजिटर होता है जिसमें वो एग्स को डिपॉजिट करती है. एक बार में 1000 एग्स को लेकर सकती है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ प्रोजेनीज आर ऑब्टेंड साइमल्टेनियसली. सो इन फीचर्स के होने के कारण मॉर्गन ने पाइसम सटाइबम की बजाय ड्रोसोफिला को स्टडी मटेरियल बनाया. इसीलिए बहुत काम किया एक्सपेरिमेंट, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पर वो काम किया, लिंकेज पर काम किया, तो लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया. इसलिए इनको कॉमनली फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं. ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है. नीट में कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है. लिंकेज में मॉर्गन और कैसन ने एक ज्वाइंट थ्योरी प्रपोज करके दी, एंड दैट थ्योरी वॉज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. क्या है लिंकेज? लिंकेज कहने का मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है, उस जीन में टेंडेंसी है कि वो साथ में इनहेरिट होगा. यानी जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स ज्यादा जाएंगे, क्योंकि जो जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पर, वो जो भी जीन्स है 1, 2, 3, वो तीनों जीन क्या चाहेंगे, वो तीनों जीन साथ में इनहेरिट होना चाहेंगे, और इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रिपीटेशन होगा. सो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन में टेंडेंसी है कि वो साथ में जाएंगे, तो लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो साथ में जाना चाहते हैं. सो दिस फेनोमेनन वॉज लिंकेज, एंड द थ्योरी विच वॉज प्रपोज बाय